गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट. सो आज देखो डिफरेंट टाइप के रिएजेंट हमने रिएक्शन की डिस्कशन की थी ऑलरेडी. जस्ट एक 5 मिनट के लिए पहले हम रिकैप कर लेते. हम सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले रिएक्शन डिस्कशन कर रहे थे, उसमें फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से देखो अल्कोहल से हम डिफरेंट टाइप के रिएजेंट जब ऐड करते हैं तब हमें यहाँ पे हमें मिलता है प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड. अगर हमने लिखा स्टेट ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा अल्काइल क्लोराइड. अगर हमने एच बी आर नियर अबाउट 48% होता है और ये इन सीटू प्रिपेयर होता है बाय यूजिंग वाटर एन ए पी आर एंड H2SO4. ओके, सो सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो इन सीटू बनता है एच बी आर और बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगेन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड. सिमिलरली एच आई भी इन सीटू रिएक्शन वहां पे प्रिपेयर होता है बिकॉज एट रूम टेम्परेचर वो बहुत ही अनस्टेबल है. तो सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ 95% H3PO4 मतलब फास्फोरिक एसिड ये जब रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है प्रोडक्ट हमें मिलेगा व्हाट इज अल्काइल आयोडाइड बाय रिलीज ऑफ एन वाटर. सो देखो यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है जब HIPA इन सीटू बन रहा है बाय यूजिंग दिस मिक्सचर. सिमिलरली अगर हमने इसमें PX3 ऐड कर दिया दैट इज इसमें PCl3 भी होता है PBr3 PI3. तो ये देखो ये तो दोनों इन सीटू बनते हैं कैसे. ओके, रेड फास्फोरस प्लस वाटर Br2 या फिर वाटर I2. जब ये दोनों की रिएक्शन होती है मतलब रेड फास्फोरस Br2 तो बनेगा ये PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड. सिमिलरली रेड फास्फोरस प्लस I2 की जब रिएक्शन होती है तो Pa3 बनता है. एंड हमें अल्कोहल के मोल चाहिए 3 मोल दैट इज रिएक्शन इज और प्रोपोर्शन इज लाइक टू दैट ऑफ 3:1. जो PH3 उसका 1 मोल चाहिए वही अल्कोहल रहेगा उसके 3 मोल वहां पे लेने पड़ेंगे. तो दैट्स मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया 3 मोल ऑफ RX मतलब अल्काइल हैलाइड हमें वहां पे. अगर PCl3 ले लिया तो RCl मिलेगा हमें वहां पे अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड है ना अल्काइल आयोडाइड. एंड यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है H3PO3 दैट इज अ फास्फोरस एसिड. सिमिलरली अगर हमने PCl5 वगैरह यूज कर दिया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड तो हमें 1:1 मोल लेना पड़ेगा हमें अल्काइल क्लोराइड मिलता है बाय रिलीज ऑफ HCl एंड फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट. नाउ दिस इज अ डार्सन हैलोजनेशन रिएक्शन. स्पेशली दिस आर रिएक्शन इज यूज टू हाईली प्यूरिफाइड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड. सबसे अगर प्यूरिफाइड अगर हमें अल्काइल क्लोराइड अगर चाहिए तो हम यूज करते हैं डार्सन हैलोजनेशन रिएक्शन. थायोडीन क्लोराइड है पाइरीडीन है रिफ्लक्स कंडीशन सो अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हमें अल्काइल क्लोराइड मिलेगा बाय रिलीज ऑफ HCl एंड SO2. नाउ दिस वाज द कंप्लीटली पोर्शन वी आर ऑलरेडी कवर्ड इन लास्ट लेक्चर. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पोर्शन. अभी देखो एक क्यों बोला है बिकॉज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज करते हैं. आज की रिएक्शन में अगेन द रिएक्शन इज व्हाट अ सब्स्टिट्यूशन. आगे भी हम व्हाट दैट इज डिस्कशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेकिन ये जो है दैट इज सेकेंड कैटेगरी. ओके, फ्रॉम अ अल्केन एंड अ अल्कीन. ओके, एक बार कैटेगरी हमारी कौन सी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है. हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही डिस्कशन कर रहे लेकिन अभी अल्काइल जो हलाइड यहाँ पे बनेगा वो बनेगा फ्रॉम अल्केन से. जैसे अभी जो हमने क्या किया वो अल्कोहल से बना था बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस. अगेन यहाँ पे जब हम सब्सट्रेट अगर यूज करते हैं अल्केन या फिर अल्कीन तो बाय यूजिंग अल्केन एंड अल्कीन हम प्रिपेयर करते हैं व्हाट दैट इज अ अल्काइल हलाइड. तो बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देखा ये एडिशन भी रिएक्शन देता है कौन अल्कीन. ये आगे का पोर्शन हमें डिस्कशन करना है आज के लेक्चर में लेकिन ये हमारी कैटेगरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चलो तो फर्स्ट इसमें कैटेगरी हम डिस्कशन करेंगे दैट इज अ हैलोजनेशन. ओके, नाउ दिस रिएक्शन वी ऑलरेडी कवर्ड इन अ हाइड्रोकार्बन. जो हाइड्रोकार्बन का अल्केन का जो पार्ट था उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया था दैट इज हैलोजनेशन ऑफ अ अल्केन. ओके, और इवन अ अल्कीन जब अल्कीन का हाइड्रोकार्बन का पार्ट था तो वहां पे हमने एलिमेंट में ये ऑलरेडी डिस्कशन किया था. ना देखो अभी जैसा अभी टॉपिक नया है इसकी वजह से हमें थोड़ा रिकैप करना पड़ेगा बहुत दिन हो गए वो डिस्कशन करने के लिए दैट्स व्हाई हम थोड़ा यहां पे क्या करते हैं रिवाइज कर देते हैं. ना हैलोजनेशन अगेन दिस इज व्हाट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. The one or more hydrogen atom of alkene are replaced by one or more halogen atom is called as a halogenation reaction. Now, कैसे?
हैलोजनेशन जो रिएक्शन होती है यहां पे हम यूज करते हैं एक्स टू एज अ रिएजेंट ऑन अ अल्केन ऑन अ अल्केन. सो सबसे पहले हम अल्केन के बारे में डिस्कशन करेंगे, बाद में हम अल्केन के बारे में डिस्कशन करेंगे ना. हैलोजनेशन देखो, ये हैलोजनेशन ऑफ अल्केन हम डायरेक्टली लिख ही देते हैं. हम हैलोजनेशन सबसे पहले अल्केन का डिस्कशन करेंगे ना. ये रिएक्शन जो कैरिड आउट होती है, ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रहेगा, या फिर फोटोकेमिकल लाइट होता है, या फिर यूवी लाइट होता है, या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर का पे चाहिए, ज्यादा भी टेम्परेचर नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर. ओके, कैसे हैलोजनेशन जब हम अल्केन का करते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, सो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जाती है. ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रूटीन क्या करती है, रिएक्शन फॉलो करती है, सब्स्टिट्यूशन है लेकिन फ्री रेडिकल. तो इसमें तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन. देख लेते हैं एग्जांपल, ये लिया मैंने यहाँ पे CH3H. नाउ दिस इज व्हाट अ मीथेन अल्केन है, इसके साथ हमने लिया है व्हाट, दैट इज अ Cl2. कोई भी आप X2 ले सकते हो, X2 रहेगा व्हाट, Cl2 Br2 और I2. ओके, F2 हम नहीं लेते हैं, बिकॉज F2 क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन है, इसकी वजह से क्लोरीनेशन रिएक्शन हम कैरिड आउट नहीं करते. बट क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन होता है, उसमें भी आयोडिनेशन रिवर्सिबल है, स्लो है, ये हम वहां पे डिस्कशन करेंगे. हाँ, नॉर्मल रिएक्शन है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फोटोकेमिकल लाइट, सनलाइट वगैरह रहेगा, इवन यूवी लाइट वहां रहेगा, या फिर टेम्परेचर होता है. तो देखो, ये यहाँ से चला जाएगा व्हाट, HCl. सब सब्स्टिट्यूशन है तो हमें मिलेगा व्हाट, CH3Cl बाय रिलीज ऑफ एन HCl. नाउ दिस इज व्हाट, अ मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन IUPAC है. सो मिथाइल क्लोराइड है, क्लोरोमीथेन, बट दिस रिएक्शन इज जस्ट मैकेनिज्म अगर पार्ट देखा जाए. ओके, सो अगर हम मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. तो सबसे पहले होता है होमोलिसिस. होमोलिसिस मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ एन कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड एज अ होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, और वी कैन से आल्सो एज अ होमोलिसिस. तो सिंपली ये बस Cl2. ओके, नाउ नॉन पोलर कंप्लीटली बॉन्ड है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, फोटोकेमिकल लाइट है, यूवी लाइट है, वगैरह वगैरह. तो देखो क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ टू Cl रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे हमें मिला है. नाउ दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल इंटर इनटू अवर रिएक्शन. ओके, इंटर, अभी ये रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पे, इंटर. तो इस स्टेप को हम बोलते क्या है, दिस स्टेप. ओके, ये स्टेप फर्स्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ इनिशिएशन. ओके, या फिर इसको आप चेन इनिशिएशन बोलोगे. ओके, चेन इनिशिएशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो होमोलिसिस हो चुका है Cl2 का ब्रेक होने के बाद यहाँ पे Cl2 Cl रेडिकल वहां पे बन चुका है. नाउ दिस रिएक्शन, दिस फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल इंटर और अटैक ऑन अवर वाटर अल्केन, जो अल्केन के ऊपर ये क्या करेगा, अटैक. तो उस स्टेप को, ओके, स्टेप सेकंड, ये स्टेप था फर्स्ट. नाउ स्टेप सेकंड कॉल्ड एज अ चेन प्रोपागेशन, चेन वाटर प्रोपागेशन. तो चेन प्रोपागेशन मतलब जहां पे एक्चुअली हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है. कैसे, चलो नाउ CH, 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 दिस इज व्हाट अ मीथेन, ये आया यहाँ पे रेडिकल, दैट इज क्लोरीन रेडिकल. तो अगर इसको बॉन्ड बनाना है, इसको अगर स्टेबल होना है, तो ये भी कैप्चर करेगा रेडिकल. तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, हाइड्रोजन रेडिकल है, Cl रेडिकल यहाँ पे बना है बॉन्ड. नाउ कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो ये चला जाएगा HCl, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का चला जाएगा CH3 के ऊपर. तो देखो हमें मिला क्या है, दैट इज CH3 प्लस वाटर HCl. नाउ दिस मिथाइल फ्री रेडिकल, अगेन दिस मिथाइल फ्री रेडिकल. ओके, सो दिस CH3 रेडिकल अगेन रिएक्टेड विद व्हाट, Cl रेडिकल. तो ये Cl रेडिकल के साथ जब रिएक्ट होता है तो हमें यहाँ पे मिलता है CH3 और ये Cl मिथाइल क्लोराइड, जहां पे हमें एक्चुअली क्या मिला है, व्हाट प्रोडक्ट हमें वहां पे मिला है. नाउ ये ऐसे भी होता है,
सिमिलरली कैटेगरी अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टली जो मिथाइल रेडिकल है ओके समटाइम्स ये Cl2 के साथ भी डायरेक्टली रिएक्ट होता है तो अल्टीमेटली हमें व्हाट क्या मिलेगा मिथाइल क्लोराइड बट वहां पे Cl रेडिकल बाहर निकलेगा तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ वाटर चेन प्रोपेगेशन इसको भी हम क्या बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन नाउ स्टेप 3 इज कॉल्ड एज अ चेन टर्मिनेशन मतलब होता है एंड ऑफ रिएक्शन जहां पे रिएक्शन खत्म होगी सब जितने भी वहां पे इंटरमीडिएट बनेंगे दैट इज अ फ्री रेडिकल वो कंबाइन हो जाएंगे तो किस तरीके से सबसे पहले देखो CH3+CCl ये मिथाइल फ्री रेडिकल है नाउ दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल ये दोनों ही कंबाइन हो जाएंगे अल्टीमेटली रिएक्शन खत्म होने वाली है अभी तो यहां पे देखो ये बनेगा यहां पे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड समटाइम्स क्या होता है यहां पे CH3 रेडिकल एंड CH3 रेडिकल ये अगेन कंबाइन हो जाते हैं तो हमें यहां पे क्या मिलता है इट्स अ ईथेन एज अ प्रोडक्ट ओके सो बाय प्रोडक्ट हम इसको बोलेंगे नाउ अभी क्या होता है Cl रेडिकल और ये Cl रेडिकल अगर ये भी अगर ऑप्शन है कि अगर कंबाइन हो रहे तो हमें फिर से यहां पे क्या मिलेगा Cl2 रेडिकल इवन देखो अगर ये आपको वहां पे कंडीशन में अगर ईथेन के द्वारा भी थी तो ये ईथेन है तो दैट्स व्हाई हम वो स्किप कर देते हैं फैक्ट चलो तो अगर ईथेन होता या आगे हम डिस्कशन करेंगे ईथेन तो देखो दिस इज व्हाट अ चेन टर्मिनेशन मतलब यहां पे मिथाइल क्लोराइड जितना भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट वहां पे बने हैं जो भी फ्री रेडिकल बनाएगा अल्टीमेटली कंबाइन हो जाते हैं वहां पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बचेगा तो अल्टीमेटली हमें यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा जो रिएजेंट है एसिडिस मिलेगा इवन वाटर ये जो बाय प्रोडक्ट है इसमें आपको ये भी पूछा जाता है कि क्लोरीनेशन ऑफ एनमीथेन व्हिच ऑफ द टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट तो आपको वहां पे दिया जाएगा मिथाइल क्लोराइड आपको देते हैं व्हाट दैट इज और देखो ये रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इजी नहीं होती है दिस इज हार्ड टू कंट्रोल द रिएक्शन तो दैट्स देखो अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं फटाक से एक रिवाइज पैटर्न में तो देखो ये Cl2 बनेगा सबसे पहले ये चला जाएगा यहाँ पे ये बनेगा CH3Cl बाय रेट ऑफ HCl लेकिन इसके ऊपर ही रिएक्शन फिर से हो जाती है तो देखो ये हमने लिखा है CH3CH ओके भाई ये देखो मिथाइल क्लोराइड फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है दैट इज अ Cl2 तो फिर से देखो ये चला गया है HCl इस कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड बनेगा तो बनेगा क्या CH2Cl2+WaterCl देखो डाइक्लोरोमीथेन या फिर इसको DCM बोलते हैं या फिर मिथिलीन डाइक्लोराइड इसको बोला जाता है सिमिलरली इसके ऊपर और रिएक्शन होती है देखो हमने लिखा CH HCl और HCl फिर से आया HCl2 ए फिर से चला गया HCl और फिर से क्या बनाया यहाँ पे CHCl3 दैट इज अ क्लोरोफॉर्म क्या है ये क्लोरोफॉर्म फिर से रिएक्शन स्टॉप होती है क्या नहीं फिर से एक हाइड्रोजन बचा है ClCl और ये CL2 तो यहाँ पे फिर से ये चला जाएगा अल्टीमेटली हमें मिलेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोर सो अवर मेन प्रोडक्ट इज मिथाइल क्लोराइड नो डाउट ओके बट अलोंग विद दैट हमें ये भी प्रोडक्ट वहां पे मिलते हैं ये वाला ये दैट इज मिथाइल मोनोन डाई ट्राई टेट्रा ये भी प्रोडक्ट वहां पे पॉसिबल है ये तो लेकिन ये हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट है ये वाला आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ये भी ऑप्शन में दिया जाएगा ये भी ऑप्शन में दिया जाएगा तो ये तो तीनों भी प्रोडक्ट है लेकिन अलोंग विद दैट ये वाला आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्यों क्योंकि दिस प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन एक्चुअली दिस इज अ बाय प्रोडक्ट बट डज नॉट कंटेन हैलोजन सो ध्यान में रखना है वहां पे हमें अल्केन भी अगर मीथेन की बात चल रही तो वहां पे अल्केन भी हमें क्या मिलेगा एज वहां पे बाय प्रोडक्ट मिलता है सो नाउ दिस इज अबाउट व्हाट दैट इज अ हैलोजन शॉट ऐसे ही किसके बारे में होता है Br2 के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं लेकिन Br2 के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे ओके सो Br2 के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो वहां पे कंडीशन है नाउ रिएक्टिविटी ऑर्डर इज लाइक दैट ओके हमने अभी पढ़ा है F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन वाटर I2 ये इतना ज्यादा फास्ट और बहुत एक्सोथर्मिक होता है एक्सप्लोजन होने के चांस होते हैं इसकी वजह से ये रिएक्शन स्किप करते हैं फिर फ्लोरिनेशन रिएक्शन हम कैरीड आउट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ फास्ट रिएक्शन चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन तो क्लोरिनेशन अभी हमने पढ़ा है ओके ओके ब्रोमिनेशन है रिएक्टिविटी इफ यू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन सो ब्रोमिनेशन की रिएक्टिविटी या फिर ब्रोमीन जो होता है Br2 की वो कम है दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्ड अ कैटलिस्ट तो वहां पे हमें कैटलिस्ट चाहिए जस्ट एग्जांपल लेते हैं यहां पे CH3 CH2 और H इथेन लिया है हमने
और इथेन में हमने डाला है व्हाट दैट इज अ Br2। क्या डाला है? Br2। वी रिक्वायर्ड अ AlBr3। AlBr क्या है? रहेगा AlCl3। कोई भी लेडीज एसिड वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो दैट मींस ये देखो ये यहां पे चला जाएगा। सिर्फ रिएक्शन सेम है लेकिन कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है अंडर हीटिंग कंडीशन। तो हमें मिलेगा पे CH3 CH2 और ये Br by is of an catalyst। बाकी कोई डाउट नहीं है। प्रोडक्ट अल्काइल ब्रोमाइड ही मिलेगा लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पे क्या रहेगा कैटलिस्ट वहां पे होता है ना। सबसे बार जो है वो आयोडीनेशन की है। ओके आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ इफ वी जस्ट यूजिंग इज अ आई टू। अगर हम जैसे हमने सीएल टू लिया बीआर टू लिया वैसे अगर हम आई टू यूज करने की कोशिश करते तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती। क्यों? बिकॉज वहां पे जो बनता है बाय प्रोडक्ट जैसे देखो यहाँ पे एच बी आर बना है। ओके यहाँ पे देखो जैसे एच सी एल बना था एच सी एल यहाँ पे मीथेन में एच सी एल ओके में क्लोरीनेशन में एच सी एल एज अ बाय प्रोडक्ट सेम यहाँ पे एच बी आर बाय प्रोडक्ट तो ऑफकोर्स यहाँ पे आयोडीनेशन में एच आर एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है। लेकिन डी सी एच आई इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना तो कैसे चलो रिएक्शन ये हमने लिया सी एच थ्री सी एच टू और एच नाउ दिस इज इथेन। अगर हमने यहाँ पे लिया है आई टू देखो आई टू और मैंने ऐसे लिख दिया ओके अंडर हीटिंग कंडीशन तो ये चला जाएगा एच आई ये चला जाएगा एच आई तो कार्बन और इस आयोडीन पे बॉन्ड बनेगा तो सी एच थ्री सी एच टू आयोडीन प्लस वॉट एच आई तो ये मिला हमें वॉट दैट इज आयोडीन इथाइल हाइड्राइड प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? बिकॉज दिस इज अ बाय प्रोडक्ट दैट इज एच आई एंड एच आई इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है इसका रिडक्शन करता है तो फिर से रिएक्शन बैक आती है इनटू द रिएक्टेंट मतलब जो सब्सट्रेट और फिर से रिएजेंट में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दीज आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो इसकी वजह से हमें ये नहीं चाहिए एज अ बाय प्रोडक्ट तो इसकी वजह से दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 HIO3 वगैरह वगैरह। ये है एक्ट होते हैं व्हाट दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है तो ये क्या करते हैं ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे बचा है दैट इज एच आई इसको फॉर्म नहीं होने देते। रिएक्शन हमने बहुत बड़ी रिएक्शन है मैकेनिज्म है तो ये हमने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन पढ़ी तो वो पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिर से इसका कन्वर्जन होता है आई टू में इसका कन्वर्जन होता है मतलब कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे है ये कन्वर्ट होता है ये दो मोल में तो दोनों भी आयोडीन का कन्वर्जन इधर हो गया तो बाय प्रोडक्ट में आपने ज्यादा कोई टेंशन वाला प्रोडक्ट वहां नहीं मिलेगा। क्यों? HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड है या फिर हाइड्रोआयोडिक एसिड है HIO3 तो ये हम वहां पे एज ए यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये यहाँ पे रहेगा तभी जाके रिएक्शन ये क्या होती है व्हाट फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। तो ये हमने डिटेल में बहुत बार हमने पढ़ाए तो दैट्स व्हाई एक पार्ट हम स्किप कर देंगे तो बात समझ में आई। तो दैट इज हमने पढ़ा है अल्केन के बारे में दैट इज अल्किन के अगर ऊपर हमने हैलोजनेशन रिएक्शन कर दी तो ऑर्डर इज लाइक दैट फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन। फ्लोरिनेशन हम रिएक्शन कैरिड आउट नहीं करते हैं बिकॉज रिएक्शन ये बहुत ही फास्ट होती है एक्सप्लोजन होता है। ब्रोमिनेशन इजिली रिएक्शन होती है क्लोरिनेशन इजिली रिएक्शन होती है ब्रोमिनेशन होती है बट वी रिक्वायर्ड कैटलिस्ट समटाइम्स कैटलिस्ट एज वेल एज ऑल्सो रिक्वायर्ड टेम्परेचर। आयोडीनेशन है तो रिवर्सिबल ध्यान है अगर वहां पे आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे अगर नहीं रहेगा HCO वगैरह बस आए हैं ओके HCO वगैरह हम आके एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर अगर ये नहीं रहेगा तो रिएक्शन शुड बी अवॉर्ड रिवर्सिबल। तो दैट्स व्हाई अगर हमें नहीं चाहिए क्योंकि HI जो बाय प्रोडक्ट है वो फिर से इसको डैमेज कर देगा इसका रिडक्शन कर देगा तो इसका कन्वर्जन फिर से हो जाएगा इनटू द सब्सटेंट दैट इज अल्केन एंड आयोडीन दैट नंबर है। अभी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज अ रिप्लेसमेंट ऑर्डर। नाउ अगर हम हाइड्रोकार्बन एज अल्केन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इजीली रिप्लेस होता है टर्शियरी हाइड्रोजन ओके दैट इज अ रिप्लेसमेंट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। सबसे इजीली हाइड्रोजन कौन सा निकल जाएगा टर्शियरी का बाद में सेकेंडरी का और बाद में प्राइमरी का ओके क्यों बिकॉज दिस इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अभी पढ़ा है ये तो देखो ये सब देखो ये देखो फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल बनेगा तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है फ्री रेडिकल वो सबसे इजी हाइड्रोजन चला जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हम बात करते हैं
यहाँ पे जो बात कर रहे, अगर टर्शियरी, अगर हमारे अल्केन में अगर टर्शियरी हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है तो सबसे पहले वो निकलेगा। तो इफ अल्केन हैव अ चॉइस टू रिप्लेसमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन हाइड्रोजन, तो देयर विल बी अ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। वहां पे हमें क्वांटिटी जो मेजर माइनर हम बोलते हैं वहां पे ऐसे प्रोडक्ट हमें पॉसिबल होते, लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो होता है टर्शियरी का, बाद में सेकेंडरी का, बाद में प्राइमरी का। तो इसकी वजह से हम बोलते क्या है, टर्शियरी इज बेटर है, मतलब टर्शियरी हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा, बाद में सेकेंडरी, बाद में प्राइमरी। जस्ट टेक एग्जाम्पल, नाउ देखो ये मैंने ये यहाँ पे CH3, ये CH2, ये CH2 एंड नाउ दिस इज अ CH3, दिस इज अ N-butane। Now N-butane have two types of hydrogen atom. This is the primary, and now this is the secondary. तो दो isomeric वहाँ पे हमें halogenated product मिलना चाहिए। तो suppose हमने यहाँ पे linear word, that is again Cl2, in a photochemical light, या फिर आपको बोला जाएगा sunlight, UV light वगैरह वगैरह, ठीक है ना? So UV light वगैरह। So देखो अभी यहाँ पे दो types के replacement आपके सामने लिखा है। ये है secondary, ये है primary। तो मुझे बता कॉम्पिटिशन इज इन बिटवीन वर्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम और प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम। तो सबसे पहले जाएगा कौन सा, सेकेंडरी का। तो देखो यहाँ का एक पीएच, ओके देखो हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, ये हमने लिखा Cl2 और ये यहाँ पे जस्ट लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जाएगा यहाँ से Hc, सेकेंडरी का गया, तो इस कार्बन और इस क्लोरीन में बॉन्ड बनेगा। तो ये CH3, CH2, CH, Cl और ये CH3, देखो ये बाद में क्या है, बाद में जाएगा प्राइमरी का, यहाँ का H और यहाँ का दूसरे मॉलिक्यूल का Cl। तो हमें दूसरा प्रोडक्ट के ऑप्शन CH3, CH2, 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 Cl, ओके। तो देखो बाय रिलीज ऑफ है ना, बाय प्रोडक्ट H बॉन्ड HCl हो जाए। नाउ दिस प्रोडक्ट दैट इज अ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इन कॉमन नेम टू क्लोरोब्यूटेन इन आईयूपीएसी नेम, दिस इज अ N-ब्यूटाइल क्लोराइड, N-ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके। नाउ ये जो प्रोडक्ट बनाए वो सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस करके बनाए, और ये जो बनाए ये प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस करके बनाए। दैट्स व्हाई दिस वी कॉल्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वी कॉल्ड एज अ माइनर प्रोडक्ट। क्यों भाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो बनाए ये उस रेडिकल से बनाए कि जो ज्यादा स्टेबल है, मतलब सेकेंडरी रेडिकल से, और ये जो बनाए ये प्राइमरी फ्री रेडिकल से बनाए जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं मतलब बोलोगे लेस स्टेबल होता है। तो इसकी वजह से ये मिलेगा हमें मेजर प्रोडक्ट और ये मिलेगा माइनर प्रोडक्ट। जस्ट एक और एग्जाम्पल हम, आइसोमेरिक फॉर्म में ध्यान रखना, जितने टाइप के हाइड्रोजन वहां पे होते हैं फ्यूरली वहां पे उतना ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट हमें पॉसिबल है, ठीक है ना। सो सपोज हमने एग्जांपल ये देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 H और यहाँ पे CH2 और ये CH3। नाउ दिस इज व्हाट, ये है 2-methyl-butane, हम उसको आईयूपीएसी नेम में बोलते हैं। नाउ देखो अभी ये जो कंपाउंड है इसमें ये प्राइमरी